बहुत आ रहा है इसको, हैं पूरा लाल चेहरे में आया है तुम्हें साथ, उसे में बना दिया तुमने ना, चलो कोई बात नहीं। चलिए अब आपके सामने ये आया फिगर, अब ये देखिए कि आप इसको कैसे बनाएंगे। अब इसमें कौन कौन से टूल का यूज किया गया, अब आपने पहले देखा था जब हमने रेक्टेंगल का उपयोग किया था, रेक्टेंगल बनाए थे। अब आप देख रहे हो करीब करीब ये उसी तरह का कुछ चीजें हैं। आप बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया है, इसमें इसमें कौन कौन से टूल का यूज हुआ है और क्या है, कलर का भी है और एक और है। आप बताओ, चलो आप बताओ, क्या नाम तुम्हारा? ज्योति, बोलो और क्या इस्तेमाल हुआ है इसमें? और टूल का, और कलर का, और नो फिल का, ठीक है। अब चलिए इसको हम फटाफट खींच दें, ठीक है, हमें मेरे से वीडियो की जरूरत भी नहीं है। जैसे हमने ओवल का उसका रेक्टेंगुलर किया था, हम इसको भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। चलिए इसको बनाइए, कलर का आप ध्यान रखिएगा आप इसमें, ठीक है। इसमें अब मैं देखना चाहता हूं आपको कौन नो फिल कौन बोल रहा था इसमें, क्या करना है आपको इसमें? दूसरा लेके आ रहे हैं ओवल की डिफरेंट शेप की दुनिया से। अब कलर दीजिए, जो कलर दीजिए लाइए, इसके ऊपर लाइए दूसरा बनाइए। क्या हुआ है, आपने इसमें टूल कौन सा सेलेक्ट किया है? इसमें टूल देखा ना, कौन सा टूल सेलेक्ट किया होगा? ओवल टूल, उसके बाद और कौन सा इसमें सॉफ्ट फिल लिया है या नो फिल लिया है? सॉलिड फिल लिया है आपने आउटलाइन में, ध्यान रखिए, ठीक है, आउटलाइन का सॉलिड फिल हुआ है, ठीक है। चलिए बनाइए इसको, तब वीडियो ऑन कर दीजिए, आप वीडियो चलने दीजिए, वीडियो ऑन कर दीजिए। या नहीं, इस चित्र को आप कलर बॉक्स 1 और कलर बॉक्स 2 के साथ फिल ऑप्शन का उपयोग करके बनाएंगे। आइए वीडियो को देखकर इस चित्र को बनाना सीखते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं। थोड़ा वीडियो को और आगे कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए वीडियो, करते चले जाइए, थोड़ा करते चले जाइए और चलिए 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 चलते रहिए, चलते रहिए। ये क्या आप बात, यहाँ रुक दीजिए। मेरे ख्याल सब लोगों ने कर लिया है, सब लोग बहुत शार्प हो गए हैं। यस, वेरी गुड, सब ने कर दिया है। अब हम इस पे आ जाएं, दूसरे हम चित्र देख रहे हैं सामने। सब अपने स्क्रीन क्लियर कर दीजिए, सब स्क्रीन क्लियर कर दीजिए। कंट्रोल बोलिए, कंट्रोल ए प्लस डिलीट, कंट्रोल ए प्लस डिलीट, स्क्रीन क्लियर। अब सामने की आपका पिक्चर है, अब सामने की इसमें जो है, अब आप बताएंगे इसमें क्या क्या हमने यूज किया, बताइए इसमें क्या क्या यूज किया, कौन सा टूल यूज किया हमने इसमें? हाँ, ओवल टूल है, और क्या है फिल वाले में? क्या है फिल वाले, जो हमारे दो कॉलम है ना, जो फिल वाले कॉलम थे, उसमें क्या है? लाइन का, लाइन का कौन सा है इसमें? लाइन वाले में कुछ हमने किया है, सॉलिड फिल है या नो फिल है? जिसकी आउटलाइन है, आउटलाइन में सॉलिड फिल है या नो फिल है? नो फिल है। और बाकी दूसरे वाले में जो बॉडी वाला जो है, उसमें सॉलिड फिल है, नो फिल है? जो जो बॉडी बनाते हैं उसमें जो है, जो ओवल बना रहे हैं, ये सॉलिड फिल है या नो फिल है? नो फिल है। ये कलर कैसे आएगा अगर नो फिल होगा तो? चलिए आप जरा करके देखिए, करिए। ज्योति आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए इसको, इसमें क्या क्या है?
कॉपर टू ब्लैक और फिल्मिक कलर में सॉलिड कलर है हाँ और हमने कलर वन और कलर टू दोनों का इस्तेमाल किया है ओके आपको क्या नाम है शिवानी अच्छा इसमें बताइए कि आप जो ये कलर ले रहे हैं ये ऊपर नीचे आ रहे हैं एक दूसरे के आ रहे हैं ये क्या रीजन है इसका हाँ ठीक है चलिए बनाइए हाँ आउटलाइन देखिए इसको करिए इसको करिए पहले इसको करिए ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर देखिए करिए देखिए अब इसमें लिखा है नो नो फिल है और सॉलिड फिल है अगर आप नो फिल करेंगे तो आउटलाइन आउटलाइन नहीं आएगी ना अब ये सॉलिड फिल है ये सॉलिड कलर है नो फिल मत कीजिए सॉलिड कलर करिए ये आ गया आप कलर चेंज कीजिए हाँ आप कुछ लगाइए ना लकीर में आप जिसको आउटलाइन को नो फिल करिए पहले आउटलाइन नो फिल करिए आउटलाइन भी हाँ नो फिल करिए इसको नो फिल ऊपर वाले को यूज करिए हाँ अब नहीं आएगा नहीं नहीं सर ये आउटलाइन ही फिल वाला फिल वाले ऑप्शन पर ये नहीं फिल वाले तो सॉलिड मिल जाएगा नहीं तो सॉलिड वो लाइन के लिए जो ऑप्शन सर बोल रहा है अच्छा अच्छा हाँ ये नीचे वाले नहीं हो आप मुझे लगता है चश्मे की वजह से कुछ क्लियर नजर नहीं इस कलर को हटाएंगे यहाँ से चलिए वीडियो वीडियो रन कीजिए भाई वीडियो रन कीजिए इस चित्र को बना सकते हैं या नहीं आप इस पूरा दिमाग को अभी आप स्किल ऑप्शन और कलर बॉक्स 1 और 2 की मदद से बनाएंगे आइए अब वीडियो की मदद से इस चित्र को बनाना सीखते हैं कलर 1 को चेंज करें ओवर 2 को सेलेक्ट करें फिल पे जाएं सॉलिड कलर लें फिर यहाँ पे ऐसे थोड़ा वीडियो थोड़ा फास्ट कीजिए थोड़ा वीडियो फास्ट कीजिए हाँ ये पहला आ गया सॉलिड फिल किया आपने कलर चेंज किया उसमें अब उसके बाद फिर दोबारा से आपने जो है कलर फिर दोबारा चेंज किया है फिर दोबारा से ओवर लिया है और फिर दोबारा से आप जो है इसमें सेम कलर में उसके बाद ऐसे एक ओवर को ड्रैग करें फिर कलर वन को चेंज करें कलर टू को भी चेंज करें जहां पे आपको ध्यान रखिए एक मिनट छोड़ दीजिए ओवर को ट्रैक करें जहां भी आपको लाइन ध्यान रखना है लाइन का कलर अलग करना है या आपको अंदर का कलर अलग करना है या दोनों के कलर आपको एक साथ रखने हैं अगर दोनों ही कलर आपको एक साथ रखने हैं तो जो हमारा कलर बॉक्स और कलर वन कलर टू है उन दोनों का कलर भी एक ही होना चाहिए आप इसमें जो भी कलर कर देंगे वो इसकी आउटलाइन में कलर चला जाएगा और जो आप अंदर यहाँ करेंगे वो इसके अंदर कलर आ जाएगा अब आप देखिए कि अगर आप इसको यहाँ व्हाइट कर देंगे इसको बॉक्स को व्हाइट कर देंगे और यहाँ पर कोई भी कलर लेंगे तो इसकी आउटलाइन खत्म हो जाएगी और ये वही सेम कलर आ जाएगा या अगर आप दोनों में सेम कलर ले लेंगे तब भी आउटलाइन भी और फिल भी कोई कलर आ जाएगा क्योंकि आउटलाइन अगर व्हाइट आएगी तो बाहर वाले में मिल जाएगा हालांकि इसके बाहर एक आउटलाइन बनी रहेगी लेकिन आपको दिखेगी नहीं लेकिन दोनों चीजें जो है आपके सामने बहुत बहुत आसान तरीका है इसका अगर आपको दोनों पूरा भरा हुआ लेना है तो दोनों कलर सेम रखने हैं और अगर आउटलाइन डिफरेंट करनी है तो यहाँ पे कलर वन में आप जो उस कलर को वहां ले आइए आउटलाइन उस कलर की कर दीजिए तो उस हिसाब से उस तरीके से ये दोनों चीजें बहुत आसान है फिर आपको समझनी ठीक है शिवानी अब आप बताइए अगर हम जो है कलर वन जो कलर लेंगे वो कलर वन कहाँ जाएगा अगर कोई भी ओपन करते हैं तो हम कलर वन में हमने मान लिया ब्लैक ले लिया और यहाँ पे हमने वो ले लिया ब्लू ले लिया तो अब ये बताइए कि जो हमारा ओवल बनेगा कैसे क्या उसकी शेप क्या आएगी कौन सा कलर आएगा हाँ। और जो अंदर कलर होगा वो ब्लू आएगा वेरी गुड ये क्लियर हो गया ठीक है तो सबने ड्रॉ कर लिया है शाबाश तुमने ड्रॉ
चलिए इसे फॉरवर्ड कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। चलिए चलिए इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए। ये आपने सब बना लिया, सब मैं देख रहा हूँ, सबका बन गया है। अपने टीचर को अब ये देखिए, इसमें इसमें क्या है, इसमें भी सारे ओवल का यूज है, और किस तरह से आपने कलर को मैनेज किया है। ये भी एक ओवल है, ये भी ओवल है, ये भी ओवल है, और किस तरह से आपने जो कलर को यहाँ इसके बीच में मैनेज किया है, ये सब ओवल का ही आपका यूटिलाइजेशन है। और कलर का आपने किस तरह से कलर को, कलर वन को, कलर बॉक्स को यूज किया है, तो ये आपके लिए इजी है या मुश्किल है ये वाला बनाएंगे? चलिए वीडियो वीडियो ऑन करिए इसका, वीडियो वीडियो दिखाएं, थोड़ा फास्ट करिए इसका वीडियो, फास्ट करिए। सॉलिड कलर लें, फाइव कलर ऐसे, ये सॉलिड कर लिया है हमने, करें बना दिया है सॉलिड कलर लेके। चलिए आगे चलते हैं, कलर टू को वाइट करें, कलर वन को भी सेम कलर लें, ये भी हमने सॉलिड कलर लिया है, उसके ऊपर ले आए टोपी बना दी है, ड्रैग करें, छोटा कैप बना दिया, इसके छोटा सर्किल हम यहाँ बता देंगे सेम कलर का, ये बना दिया है, देखिए ये बना दिया है। एक और ओवल को ड्रैग करें, इसको देखिए कलर को चेंज करें, अब हमें अंदर व्हाइट लाने, छोटे स्पॉट व्हाइट के, छोटा सा ओवल को ड्रैग करें, फिर ऐसे, फिर ऐसे ओवल को ड्रैग करें, ये छोटे स्पॉट बना रहे हैं, ये भी हम ओवल के बना रहे हैं, फिर अब यहां पे और कलर हमारा वही है, सॉलिड कलर हमारा फिल करके हम चले हैं।